नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको वैक्सीन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनको सुनने के बाद आपके मन से शायद हमेशा के लिए किसी भी वैक्सीन के प्रति डर निकल जाए। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए एंड तक, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अखबारों में ये खबरें तो खूब आती हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद इतने इतने लोगों की मृत्यु हो गई या कोई भीषण साइड इफेक्ट हो गए, लेकिन मरने के बाद जब पोस्टमार्टम होता है और उसकी क्या रिपोर्ट आती है वो पता नहीं क्यों अखबार वाले छापना भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि कुछ केसेस हुए हैं, डेथ हुई है, ये सही बात है, पर वो डेथ का कारण क्या है? पोस्टमार्टम हुआ तो किसी में सामने आया कि जहर दिया गया था उस बंदे को इसलिए उसकी डेथ हो गई, या फिर उसे कोई ऐसी किडनी की बीमारी थी कि उसकी किडनी फेल हो गई जो पहले से थी वैक्सीन लगाने से पहले से, लेकिन उसने ये बात डिस्क्लोज नहीं की। वैक्सीन लगवा लिया और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई तो डिफेम हो गया कि भाई वैक्सीन तो खराब है, वैक्सीन से ऐसा हो रहा है। हमारे देश में गरीबी काफ़ी है, कुछ लोगों में लालच भी है, क्योंकि सरकार जब ऐसा कोई ट्रायल करती है तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, हमारा ICMR है, कुछ बीमा भी करके रखता है कि मान लीजिए कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो ट्रायल में लोग आएंगे उनको, तो उनको उनका इलाज कराया जाएगा, मुआवजे के तौर पे उनको दिया जाएगा। लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर लोग लालच के कारण आए, अपनी कुछ बीमारियां जिनको बहुत गंभीर बीमारियां थी वो लोग भी आके वैक्सीन इस लालच में लगवा रहे थे कि चलो इसके जरिए हमारा जो भी इलाज है वो फ्री में होता रहेगा। तो ये उनकी गलती के कारण, उनकी कमी के कारण, लालच के कारण कह लें या गरीबी के कारण कह लें या जो भी कारण रहा हो, उस कारण से अखबार में, मीडिया में उन्होंने भी इसे खूब भुना रहे हैं और इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी पब्लिसिटी के लिए शायद ये लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जबकि वो नहीं जानते कि वो जनता का कितना बड़ा नुकसान है। आइए समझते हैं वैक्सीन बनाया कैसे जाता है। कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारी हो या वायरस से रिलेटेड बीमारी हो, मान लीजिए हम अभी कोरोना वायरस की बात कर लें, तो जो वैक्सीन बन रहा है वो वायरस का पूरा भाग या फिर कोई एक पार्ट लेकर उसको पूरी तरह मृत करके, अधमरा करके या फिर उसे वीक करके उसके हिस्से को इस्तेमाल करते हैं और उससे एंटीबॉडीज, ताकि हमारे शरीर में। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में उसके अंदर अनकंट्रोल्ड तरीके से वो वायरस अंदर जाने के बाद पनपेगा और तरह तरह की उसमें लक्षण और गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकता है। तो इसलिए बीमार हो जाने से, कोरोना इन्फेक्शन हो जाने से अच्छा है कि हम वैक्सीन लगवा लें। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ठीक है सबको लगाने देते हैं वैक्सीन, मैं तो मास्क लगा के ही बच जाऊंगी। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं कितनी तेजी से ये बीमारी पूरे विश्व में फैली है, और अगर विश्व में एक भी बंदा इन्फेक्टेड बच जाता है तो फिर आपको कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। बेहतर है कि आप वैक्सीन लेकर एंटीबॉडीज बना लें अपने शरीर में और उसके लिए प्रोटेक्शन प्राप्त। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं तो देखेंगे कि पोलियो के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, खसरे के लिए, रुबेला, मम्स के लिए, बहुत सी बीमारियों के लिए कितने सारे वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं। छोटे छोटे बच्चे तक उसको लगवा लेते हैं। बच्चों में आपने महसूस किया होगा कि क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, बुखार आ जाता है, उनको सूजन हो जाती है, दर्द होता है इंजेक्शन साइट पे, एक दो दिन तीन दिन होता है, आप पैरासीटामोल दे देते हो, डॉक्टर आपको दे देता है प्रिस्क्राइब करके, और वो पिलाने के बाद बच्चे को दो तीन दिन में आराम हो जाता है। बस उतने ही साइड इफेक्ट्स आपको इससे भी हो सकते हैं, बस उतना ही एक्सपेक्टेड है। आप भी पैरासीटामोल ले लेंगे तो आपको भी आराम मिल जाएगा। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास अभी फिलहाल इंडिया में, जैसे हम सब जानते हैं, दो वैक्सीन्स अभी इस्तेमाल में आ रहे हैं, एक है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन। कोविशील्ड के कुछ न्यूरोमस्कुलर साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं कुछ लोगों में, वो भी स्पष्ट नहीं है कि वो वैक्सीन के कारण है या उनकी खुद की किसी प्रॉब्लम के कारण उनको साइड इफेक्ट्स हुए हैं।
कोवैक्सीन पूरी तरह किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है इसको बनाने में, तो इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स अभी तक सामने। एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं? एंटीबॉडीज जब आपको वैक्सीन का डोज लगता है तो उसके बाद 1 से 4 हफ्ते तक का समय देखा गया है बाकी वैक्सीन में कि एंटीबॉडी बनने में लगता है। एंटीबॉडीज में लिवर इत्यादि हमारा रोल प्ले करते हैं बनाने में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप तुरंत वैक्सीन लगवा के बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वैक्सीन के 2 डोज लगने हैं, दोनों डोज लगवाने के बाद भी 1 से 4 हफ्ते मान लीजिए मिनिमम आपको टाइम लगेगा पूरी तरह प्रोटेक्शन मिलने में। तब तक आप मास्क, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सब बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों का पालन करते हैं। एक चीज़ और, क्योंकि हमारे एंटीबॉडीज लीवर में बनते हैं, तो जिन लोगों को लीवर का कुछ प्रॉब्लम है या फिर जिनका लीवर कमज़ोर है या जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या कोई भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं या कोई ऐसी कंडीशन है जिससे उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, अल्कोहल लेते हैं या ऐसी सब कंडीशंस में हो सकता है कि इम्यूनिटी आपकी उतनी ना बने या एंटीबॉडीज आपके स्लो बने, तो ऐसे में आपको खास ध्यान रखना होगा। जो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब जो अवॉइड किया जा सकता है उसको आप अवॉइड करें ताकि आपको एक अच्छा इम्यूनिटी बैकअप मिल सके। सिर्फ 3 परिस्थितियों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कोरोना का वैक्सीन, प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब, लैक्टेशन के समय जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, थर्ड है 18 साल से छोटे बच्चों में। तो किसी भी सुनी सुनाई बातों का भरोसा ना करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, इवन मेरी भी बातों का भरोसा ना करें। MOHFW, WHO, नेशनल हेल्थ पोर्टल, ये सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाकर आप ऑथेंटिक जानकारी लें और तभी उस पर विश्वास करें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।